32 है, a cylindrical tank of diameter 35 centimeter is full of water. कहते हैं कि एक टैंक है जिसका डायमीटर कितना है जी 35 सेंटीमीटर, कहते पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है. If 11 liters of water is drawn off and the water level in the tank will drop by. कहते अगर उसमें से 11 लीटर पानी निकाल देते हैं तो बताओ उसका जो हाइट है वो कितनी गिर जाती है. पहले वाली हाइट दे रखी है? नहीं, पहले वाली हाइट भी नहीं दे रखी उन्होंने, तो जो बताएं कि अब कितनी गिर गई. देखो जी, देखो वॉल्यूम पहले कितना होएगा, पाए आर स्क्वायर कैपिटल एच ले लूं, उसमें से 11 लीटर पानी निकल गया तो अभी वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाए आर स्क्वायर स्मॉल एच, क्योंकि हाइट थोड़ी छोटी तो हो ही जाएगी ना. इसको इधर कर दो, इसको इधर लेके आओ, पाए आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस पाए आर स्क्वायर स्मॉल एच. ये नेगेटिव था तो ये कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया, लेकिन लीटर था तो साथ में मल्टीप्लाई 1000 करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. पाई आर स्क्वायर कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन है ना दोनों में, अंदर क्या आया एच माइनस स्मॉल एच, इधर क्या इतना गया 11000, पुट करो 22/7. देखो डायमीटर 35 था तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2, स्क्वायर है तो नीचे दो भी दो बार आएगा. ठीक है जी, करो 7 × 5 = 35, 2 के टेबल पे 11 पे, 5 सामने सामने कट करो, पहले 11 पे कट कर लेते हैं, 1000 आ गया, 5 के टेबल पे 200 आ गया, 5 के टेबल पे 7 और ये कितने पे गया 40 पे, तो h माइनस h कितना हो गया जी, इधर तो 40 बचा हुआ है, नीचे इधर 2 बचा हुआ था वो 2 ऊपर चला जाएगा और इधर ऊपर 7 बचा हुआ है वो 7 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो गया जी 80/7 हो गया. 7 के टेबल से वे 80 पे छोटा क्या होता है, पहले 1 पे जाएगा, फिर बच जाएगा 10, 7 × 7 पीछे बचेगा 3, 3 ऊपर और 7 नीचे का, नीचे रह जाएगा तो क्या आ जाएगा 11/3/7. अब देखो ये क्या था, जो हाइट पहले थी और जो हाइट अभी है, तो उन्होंने यही बताया ना कि पहले हाइट और अभी हाइट में कितना ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप ऐसे निकलेगा, तो यही आंसर आ गया कितना 11/3/7 ऑप्शन बी.